गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 7 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका MSR, पेज नंबर है आपका 30। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। के स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वर्की स्क्रीन, यानी जब आप एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं तो आप देखते हैं हमें इस प्रकार एमएस वर्ड की स्क्रीन कंप्यूटर पर, मॉनिटर पर शो होती है। वर्ड की जो स्क्रीन होती है वह भी किसी भी अन्य प्रोग्राम के समान ही होती है। इसमें कई क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, आपके ऑप्शंस आपके होते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, वर्किंग एरिया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इसके अवेयर, देखिए इसके दाई ओर क्या होते हैं, दो स्थित बटनों को दबाने से इसमें स्थित शॉर्टकट मेन्यू भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऊपर की बार, देखिए ये क्या है, आपकी टाइटल बार जो हमें बताती है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या आपका एमएस वर्ड है, तो हमें पता है कि हमारा एमएस वर्ड ओपन हुआ है और हम इसमें काम कर रहे हैं। ये क्या है, आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं ठीक उसके नीचे होती है आपकी मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होती है, आपकी अलग अलग आपकी आपकी जो है मेन्यूज होती हैं, जैसे आपकी फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉन्ट, टूल्स, विंडोज और हेल्प। इसमें क्या होते हैं, आपकी अलग अलग आपकी कमांड होती है, आप जिस पर क्लिक करेंगे उसमें अलग अलग कमांड होगी जिसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड में संशोधन कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बात करते हैं कि उसके नीचे होती है आपकी स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, अगर आप अपने जो ये क्या होता है, जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप इसकी सहायता से उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस आप कर सकते हैं, उसकी मोटाई लंबाई आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होता है, जो भी आपने लिखा हुआ है वर्किंग एरिया। देखिए बात करते हैं वर्किंग एरिया, जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो आप इस एरिया के अंदर करते हैं, तो आप ब्लैंक एरिया यानी जो आपका खाली जगह है, ये ब्लैंक एरिया ही होता है आपका वर्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेजों को तैयार करते हैं। बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, बदलाव करना। अगर आप अपने टेक्स्ट की यानी टेक्स्ट क्या होता है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज जैसे 12 या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या आप यहाँ पे क्या होते हैं अलग अलग आपके फॉन्ट होते हैं, आप उनको चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। लेकिन एक बात याद रखें, आप जिसने भी बदलाव चाहते हैं सबसे पहले आपको माउस की सहायता से उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट का मतलब उसका आपको चयन करना होगा, तभी आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी दो बार है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार क्या होते हैं, यानी पेज को ऊपर नीचे करना या लेफ्ट और राइट करना। स्टूडेंट्स, ये जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे आपको करवा दिया जाएगा, लैब के अंदर क्वेश्चन तैयार होता है टाइटल बार कहाँ स्थित होती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है, ये वर्क आपको उतारना नहीं है, केवल रीड करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। थैंक यू।